टैक्सी में खड़ा था फाइनेंशियल, तो बहुत भूखे प्यासे तड़प रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, दुख में डूबे हुए थे। तो इनका दुख का निवारण करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण और गौ के बड़े प्रिय है। उस कारण से भगवान स्वयं आ गए और उनका निवारण के लिए उन्होंने कुछ सलूजन बताया कि देखो तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है ज्ञान देना, शिक्षा दीक्षा देना, आप वैश्य के जैसे काम करने का नहीं है, इसलिए तुम अपना कर्म करो, भला हो ठीक से न हो, अपना धर्म करना, श्रेयन सधर्म विगुण पर धर्म समस्या, ठीक है, अपने दूसरों का धर्म अच्छी तरह से करने से बेटर, अपना धर्म अगर अच्छी तरह से न हो, कमी कमजोरी हो, उसमें बेटर होता है। भगवान ने इसलिए उसी में एम्फसाइज किया उनको कि अपना काम करो। तो उन्होंने सत्यनारायण का कथा व्रत का पालन करने के लिए विधि विधान बताया भगवान और वहां से अंतर्धान हो। सत्यनारायण ब्राह्मण ने उसका पालन किया भली भांति अपने जीवन में, और फलस्वरूप उसका किसी भी प्रकार से दुख कष्ट नहीं हुआ उसके जीवन काल में और उनका परलोक सुधर गया। इसी कथा को जब हर महीने में ये करते रहते थे तो एक बार की घटना ये कि लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति जून जुलाई के महीना में गांव से जा रहा था लकड़ी बेचने के लिए दूसरे नगरी में। तो जब इस प्रकार से जा रहे थे तो सत्यनारायण का पूजा करते हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को देखा तो पानी की इच्छा से घर में आया था, लेकिन उन्होंने सब विधि विधान दिखा समझा तो उसको भी लगा कि चलो मैं भी अगर भगवान की कृपा हो तो हम भी पूजा करेंगे। तो वो संकल्प करके ऐसा सोच के जा रहा था तो उसका लकड़ी बिक गया और उसके पास इनफ संपत्ति आ गया जिससे वो भी भगवान का कथा कर पाया बढ़िया से, और उसने जीवन भर उसने इस विधि को अपनाया अपने परिवार के साथ। और उसके बाद एक राजा थे, उनका मुख राजा हो गया,